नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं टॉप न्यूज हरियाणा। हरियाणा की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हरियाणा के किस जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा के बूथ पर वोटों से ज्यादा मतदान, मंत्री बोले गड़बड़ी हुई वरना मेरे हलके से बीजेपी जीत जाती, अफसर जवाब नहीं दे सके। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली गोवानीखेड़ा विधानसभा के 74 नंबर बूथ की ईवीएम को लेकर घमासान मचा है। इस बूथ पर तैनात प्रेजाइडिंग अफसर की गलती की वजह से बूथ पर डाले गए वोटों को रद्द करना पड़ा, इसी वजह से इस बूथ का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। दरअसल 25 जून को वोटिंग शुरू होने से पहले कराए गए मॉक पोल को डिलीट कराए बिना ही प्रेजाइडिंग अफसर ने वोटिंग शुरू करवा दी। 4 जून को काउंटिंग के दिन ईवीएम खोली गई तो यहाँ वोट पोल बूथ के कुल वोट से ज्यादा मिले। अधिकारियों ने इसकी जांच की तो पता चला कि मॉक पोल को रद्द कराए बिना ही मतदान करवा दिया गया। बूथ का रिजल्ट जारी नहीं होने पर गोवानीखेड़ा से भाजपा विधायक और मंत्री विशंबर बाल्मीकि ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की हलके में जीत हुई है लेकिन अधिकारी ईवीएम का रिजल्ट जारी नहीं कर रहे। गोवानीखेड़ा विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 64,286 वोट मिले जबकि भाजपा उम्मीदवार रणदीप चौटाला को 64,004 वोट मिले। यहां जयप्रकाश 282 वोट से जीते थे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में देवीलाल परिवार का सफाया, 4 सदस्यों में से एक भी नहीं जीता, 3 की जमानत जब्त, सिर्फ एक फाइट में रहा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार का सफाया हो गया। इस चुनाव में परिवार की दूसरी पीढ़ी से लेकर तीसरी पीढ़ी के सदस्य उतरे थे लेकिन कोई भी चुनाव जीत नहीं पाया। हिसार सीट पर भाजपा की तरफ से देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। इसी सीट पर इनेलो से सुनैना चौटाला और जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला मैदान में थी। वहीं कुरुक्षेत्र सीट से देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे। नैना सुनैना और अभय की तो जमानत भी जब्त हो गई। अभय चौटाला को 6.53% वोट मिले जबकि नैना चौटाला को 1.88 तो सुनैना चौटाला को 1.9% ही वोट मिले। सिर्फ रणजीत चौटाला ही कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को टक्कर दे पाए। रणजीत चौटाला को 43.90% वोट मिले। कांग्रेस की जीत पर बागी जेजेपी विधायक ने लड्डू बांटे। हरियाणा में शैलजा को दिया था समर्थन, खट्टर के करीबी दुष्यंत चौटाला को खलनायक बता चुके। हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रही कुमारी शैलजा की जीत का फतेहवाज के टोहाना में पूर्व मंत्री जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने भी जश्न मनाया। शैलजा की जीत पर बबली के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे। बबली ने भी सभी को बधाई दी। लोकसभा के लिए मतदान होने से पहले ही बबली ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। वह अभी जेजेपी से विधायक है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, फिर भी वह पार्टी के साथ नहीं है। बुधवार को जश्न के दौरान बबली ने फिर से अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत है। गुरुग्राम में राज बब्बर ने कहा लोगों ने पारी नहीं माना, चुनाव में पहली बार इतने वोट मिले, राव इंद्रजीत को दी बधाई। हरियाणा के गुरुग्राम से चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने भाजपा के राव इंद्रजीत को जीत पर बधाई दी। राज बब्बर ने कहा कि आज की सुबह उनकी नई सुबह है, वे गुरुग्राम की जनता के आभारी हैं। लोग 7,33,257 वोट गिन रहे हैं लेकिन ये उनका परिवार है। बब्बर ने बताया कि जहां वह पैदा हुए वहां के लोगों ने भी उन्हें इतना नहीं अपनाया जितना गुरुग्राम की जनता ने उन्हें अपनाया है। गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि उन्हें भारी कहा जा रहा था लेकिन अब गुरुग्राम की जनता ने दिखा दिया कि वे भारी नहीं है। मैंने गुरुग्राम को वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया, हारने या जीतने नहीं आया, बल्कि वे तो लोगों के दिल में बसने आए थे, लोगों ने मुझे अपने दिल में बसाया। बब्बर ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं किसी जात बिरादरी में नहीं पड़ा। राज बब्बर ने बताया कि चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद उन्होंने खुद भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत को फोन किया और जीत की शुभकामनाएं दी। हरियाणा में बीजेपी ने सीएम बदलकर क्या स्वल्प गोल किया, 5 सीटें हारी, वोट शेयर 11% गिरा, विधानसभा चुनाव से पहले 5 फैक्ट्री ने टेंशन में डाला। हरियाणा में भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। 2019 के मुकाबले भाजपा के वोट शेयर में करीब 11% की गिरावट आई है। चुनाव का केंद्र बिंदु रहे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी की जोड़ी भी पार्टी को नुकसान होने से बचा नहीं पाई। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद चर्चा है कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले राज्य का मुख्यमंत्री बदलना पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ है। सियासत के जानकार इसे भाजपा के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के रूप में देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में 5 ऐसे फैक्टर हैं जो भाजपा के लिए चिंताजनक है। अहम बात यह है कि हरियाणा में इसी साल
सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन नतीजों का सीधा असर विधानसभा पर होने वाला है। सीएम सैनी के पास इस नैरेटिव को बदलने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। हरियाणा विधानसभा में नंबर गेम में फंसी बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री जीते फिर भी 43 विधायक, विपक्ष इकट्ठा हुआ तो सीएम सैनी बहुमत से बाहर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही विधानसभा का गुणा गणित बदल गया है। सीएम नायब सैनी के करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद भी भाजपा सदन में बहुमत से दूर हो गई है। हालांकि अभी भाजपा के 41 विधायक पूरे हो चुके हैं। हलोपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नैनपाल राउत का साथ होने के बाद भी बहुमत के आंकड़े से एक नंबर भाजपा दूर दिखाई दे रही है। इधर सदन में कांग्रेस, जसपा और इनेलो यदि साथ आ गए तो सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार को संकट से बचाने के लिए अब भाजपा ने हाल ही में समर्थन छोड़कर गए 3 निर्दलीय विधायकों पर अपनी नजरें गड़ा दी है। मुख्यमंत्री सैनी ने खुद यह संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही 3 निर्दलीय विधायकों के साथ बात करेंगे। इस बदले राजनीतिक परिवेश में भाजपा के कुछ असंतुष्ट विधायकों का भी विपक्ष में जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा में रामपुरा हाउस का दबदबा संकट में, राव इंद्रजीत ने सिक्सर लगाया लेकिन लड़खड़ाते हुए जीते, पैतृक सीट पर भी लीड नहीं दिला सके। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट यानी दक्षिणी हरियाणा में दशकों तक सियासी दबदबा रखने वाले रामपुरा हाउस के वजूद पर इस बार संकट नजर आया। यहां से रामपुरा हाउस की सियासत आगे बढ़ा रहे भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत ने भले ही लगातार 6ठी बार जीत का सिक्सर लगा दिया हो, लेकिन हार जीत का मार्जिन पिछली जीत के मुकाबले काफी कम रहा। मतगणना के दौरान शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के राज बब्बर से उनकी हार हो सकती है, लेकिन अंतिम वक्त में वह 75,079 वोटों से जीत गए। हालत यह हो गई है कि राव इंद्रजीत सिंह के खुद के पैतृक हलके रेवाड़ी, बावल और पटौदी ने उन्हें कड़े मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। इन तीनों ही सीट पर राव की उम्मीद के अनुरूप उन्हें लीड नहीं मिली और कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर को तीनों ही विधानसभा में 60,000 से ज्यादा वोट मिले। जीत के बाद खुद राव ने माना कि अगर उन्हें गुरुग्राम बादशाहपुर सीट से बढ़त नहीं मिलती तो इस बार जीत मुश्किल थी। कैप्टन बोले, कांग्रेस मुझे लड़ाती तो 1,00,000 वोटों से जीतता। हरियाणा के गुरुग्राम में हार पर भड़के कहा करनाल में भी मुकाबला नहीं कर पाए। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस की हार के बाद पूर्व मंत्री व कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने पार्टी पर हमला बोला है। यहाँ से उम्मीदवार रहे राज बब्बर को बीच में लेते हुए कैप्टन ने कहा कि अगर उन्हें टिकट दी जाती तो भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को कम से कम 1,00,000 वोटों से हराते। कैप्टन ने बुधवार को कहा कि भाजपा उम्मीदवार का गुरुग्राम सीट के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव था। वहीं उन्होंने वोट मांगे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, इससे वह मजबूत थे। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार को टाइम ही नहीं मिला प्रचार के लिए, उन्हें करीब 6 महीने पहले यह लाना चाहिए था, फिर भी वह बहुत बढ़िया चुनाव लड़े। भिवानी के मुकुल ने पास की नीट परीक्षा, 705 अंक लाकर रचा इतिहास, 14 घंटे पढ़ाई करता था बनेगा डॉक्टर। भिवानी जिले के बड़सी गांव के मुकुल अग्रवाल ने नीट परीक्षा 2024 में अपनी मेहनत के दम पर व शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा के बलबूते पर 720 में से 705 अंक लेकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा व परिजनों के संस्कार के चलते उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।